थी लोगों की कि ओपीडी शुरू होने चाहिए, तो हमने बड़े सोच समझ के और सारे जो भी हमारे एचओडीज हैं उनको और मेडिकल स्टूडेंट को वो लेके साथ में एक प्रपोजल बनाया है जो कल से हम लागू करेंगे, जिसमें हर दिन हर स्पेशलिटी के 20 लोगों को हम वो करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे टेलीफोन के थ्रू, और उनको ये बोलेंगे कि आप स्लॉट्स में आइए, जैसे कोई 10 से 11 के बीच में आए, कोई 11 से 20 में, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो क्राउडिंग है उसको जो मेंटेन कर सके, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। और दूसरा ये है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं आस्ता आस्ता वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाए, कि जो भी लोग आए एक मरीज़ के साथ एक ही दूसरा अटेंडेंट आए, अगर बिल्कुल ठीक ठाक है तो दूसरा बंदा लाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक यूनिट में हमने ये डिसाइड किया है कि दो दो डॉक्टर बैठेंगे, सीनियर डॉक्टर, उनके साथ एक या दो जूनियर डॉक्टर बैठेंगे। उसका कारण यह है कि एक तो हमने नंबर ऑफ पेशेंट कम रखा है, और दूसरा ये है कि अगर एक यूनिट में चार डॉक्टर हैं तो दो डॉक्टर सारे चले जाएंगे, और अगर लगता है कहीं इन्फेक्शन हो गया तो पूरे का पूरे यूनिट जो बैठ जाएगा। तो इसलिए हमने ये किया है कि थोड़े बंदे बैठेंगे, ज़्यादा टाइम दे देंगे, लेकिन यह है कि इन्फेक्शन को अवॉइड करेंगे। सब में कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी में भी कर रहे हैं और एसएमजीएस में भी कर रहे हैं। ऐसे तो हमने 2 बजे तक रखी है, लेकिन अगर कोई बंदा दूर दराज से आता है, प्रॉब्लम हुई है उसको आने में, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम देंगे, वो कोई परेशानी नहीं है।